السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ठाको सर खैर खैरियत है ठीक हूँ आप व्हाट अबाउट यू कौन कौन है बाबर साथ कौन है आपके अर्शद भी है बैठा हुआ जी जी भी है जी कनेक्ट नहीं हो रहा जी कनेक्ट नहीं हो रहा क्या जी सर कनेक्ट नहीं हो रहा हाँ लिंक भेजा आपको चलें हो गया हो गया कनेक्ट ठीक है ओके स्पॉट लेट हो जाता है जरा अच्छा होता है दो कनेक्ट हो जाए ना अच्छा होता है जरा रहमतुल्लाह सर वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू अच्छा कल की क्लास अस्सलाम वालेकुम सर वरहमतुल्लाह वबरकातहू सर क्या हाल है कैसे हैं आप हाउ आर यू मैं ठीक हूं आप तीनों ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ओके सो मैं कल की क्लास के बारे में बात कर रहा था कि कल जो हमारी मैं आई थिंक सो एग्जांपल्स आपकी रह गई थी डेफिनेशन सर वैसे आपने एक करा दी थी एक मैंने कराई थी ना तो एग्जांपल हम उसको जो शुरू करते हैं ताकि हम एग्जांपल कंप्लीट कर लें आज ताकि हमारे जो आठ टेंसेस हमारे कंप्लीट हो जाएं आज ठीक है फिर हमने शुरू करनी है वो कर दे रही तो उसमें यह है कि अगर सिस्टम थोड़ा होता है ना आपको सिस्टम 40 मिनट के बाद अपडेट करना पड़ता है तो आप उस पर लाइन पर रहा करें क्योंकि आज हमारी वो भी है साथ वोकैबुलरी तो ठीक है तो क्लास को शुरू करते हैं लेट टू स्टार्ट एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एग्जांपल मैं आपको लिखा दूंगा जबानी तो आप इसको लिख लेंगे ना वर्बली पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक तो लिखी हुई है एग्जांपल बाकी आज हम तकरीबन कर लेंगे 25 तक हेलो सर जी सर हमारे आठ टेंस हो गए थे नौवां टेंस था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं एग्जांपल आपकी होगी थी इसकी जी जी सर होगी सब कुछ हो गया था एग्जांपल कितनी की थी आपने कितनी बजे भेजी थी आपने होमवर्क करके सर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हमने एग्जांपल की थी आपने करवाई थी 20 ये बकवास का सर कितनी थी कल आपने हमें फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस कराया है पास्ट ये पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यू टेंस नहीं कराया करवाया मैं वो पहले किया हुआ है ना कल फ्यूचर एंड डेफिनेट कर रहे थे मेरे तो ख्याल देने क्यों आ रही है कि मैंने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही थी तो असल में कैसे मैं लेता हूं फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस के एग्जांपल करानी है एक करा दी या बाकी करानी है उसकी रहती है ठीक है ठीक है ओके कैसे मैं काफी लेता हूं ना मैं तो वो भी ज़हन में इसलिए मुझे बता दिया गया कौन सी है तो वो थोड़ी चीजें जो मिक्सअप हो जाती हैं तो आज फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की जो है हमने ठीक है उसका फॉर्मूला हो गया था फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यस सर फॉर्मूला इसका हो गया था इंग्लिश में आपने लिख लिया उर्दू में लिख लिया था यस सर अब उसको जो एक्सप्लेन मैंने करना था वो भी हो गया था मेरे ख्याल में एक्सप्लेनेशन भी हो गई थी उसकी सारी इरादा कच्चा हो पक्का हो यस सर उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है समझ ना आया हो कोई ऐसी बात हो तो उसको एग्जांपल शुरू करते हैं फिर अगर कोई बात समझ नहीं आई है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मामला था आई और वी के साथ शैल और विल का मामला था इरादा अगर कच्चा होगा तो आई और वी के साथ हम जो है शेल लगाएंगे लादा पक्का हो तो आई और वी के साथ हम विल लगाएंगे ओके ये आपका जो है सारा सिस्टम है बाकी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो मैं आपको बता दूं क्लियर कर दूं कि आजकल तमाम प्रोनाउंस के साथ विल लग रहा है जो आजकल नाउ डेज आजकल जो ट्रेंड क्या चीज़ है रुझान वो ये है कि सबके साथ जो है हम जो है विल लगा रहे हैं तमाम प्रोनाउंस के साथ हम विल का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं यूज कर रहे हैं ओके पहचान आपको टेंस की एक मैं आपको एग्जांपल मैंने कही थी आपको ही विल गो टू ऑफिस कौन सी एग्जांपल थी एग्जांपल बताएं मुझे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ही विल रीड अ बुक वो किताब पढ़ेगा तो हम शुरू करते हैं एग्जांपल आज
टेंस आपका नोवा टेंस है और ये है फ्यूचर डेफिनेट टेंस. इसकी एग्जांपल आप लिखते जाएं, मैं आपको नोट करता हूं. फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस. जमाना फेल मुस्तकबिल मतलब ये तो पता ही आपको. जी सेकंड लिखें, इसकी सेकंड एग्जांपल है शी विल कंप्लीट द वर्क. वो काम मुकम्मल करेगी. शी विल कंप्लीट द वर्क. वो काम मुकम्मल करेगी. नेक्स्ट इट विल रेन टुमारो. कल बारिश होगी. इट विल रेन टुमारो. इट विल रेन टुमारो. कल बारिश होगी. उसके बाद नेक्स्ट है दे विल प्ले द मैच. वो मैच खेलेंगे. दे विल प्ले द मैच. वो मैच खेलेंगे. इसके बाद है यू विल वॉच द टीवी. तुम टीवी देखोगे. लिख लिया आपने? यस सर. यू विल वॉच द टीवी. आगे है आई शैल. आपका माइक जो है ना वो ऑन है बाबर जी. आई शैल गेट द सक्सेस. मैं कामयाबी हासिल करूंगा. आई शैल गेट द सक्सेस. गेट GET द सक्सेस. SUCCESS सक्सेस का मतलब कामयाबी है. मैं कामयाबी हासिल करूंगा. नेक्स्ट इसके बाद वी शैल टेक द मेडिसन. हम दवाई लेंगे. वी शैल टेक द मेडिसन. हम दवाई लेंगे या हम दवा लेंगे. आगे है आई विल विन द मैच. मैं मैच जीतूंगा. आई विल विन द मैच. मैं मैच जीतूंगा. वी विल गो टू कराची. हम कराची जाएंगे. वी विल गो टू कराची. हम कराची जाएंगे. नेक्स्ट है ही विल अटेंड द क्लास. ही विल अटेंड द क्लास. नेक्स्ट शी विल डू जॉब. वो नौकरी करेगी. शी विल डू जॉब. इसके बाद नेक्स्ट है दे विल मेक द प्लान. वो मंसूबा बनाएंगे. दे विल मेक द प्लान. वो मंसूबा बनाएंगे. नेक्स्ट यू विल विन द प्राइज. तुम इनाम जीतोगे. यू विल विन द प्राइज. प्राइज PRIZE. यू विल विन द प्राइज. जी आई शैल ड्रिंक वाटर. मैं पानी पीऊंगा. आई शैल ड्रिंक वाटर. मैं पानी पीऊंगा. वी शैल टेक द ब्रेकफास्ट. हम नाश्ता लेंगे. वी शैल टेक द ब्रेकफास्ट. हम नाश्ता लेंगे.
आई विल गो टू अब्रॉड, मैं बिरूने मुल्क जाऊंगा। आई विल गो टू अब्रॉड, अब्रॉड की स्पेलिंग है ABROAD, अब्रॉड होता है बिरूने मुल्क, मुल्क से बाहर जाना, अब्रॉड, ABB फॉर बॉय, अब्रॉड ABROAD। नेक्स्ट, वी विल स्पीक द ट्रूथ, हम सच बोलेंगे, वी विल स्पीक द ट्रूथ, हम सच बोलेंगे। नेक्स्ट, ही विल पास द टेस्ट, वो टेस्ट में कामयाब होगा, वो टेस्ट पास करेगा। ही विल पास द टेस्ट, शी विल फिनिश द वर्क, वो काम खत्म करेगी, शी विल फिनिश द वर्क, वो काम खत्म करेगी। दे विल टेक द रेस्ट, वो आराम करेंगे, दे विल टेक द रेस्ट, वो आराम करेंगे। यू विल टेक टी, तुम चाय लोगे या आप चाय लेंगे। यू विल टेक टी, आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा। वी शैल रीड द न्यूज़पेपर, हम अखबार पढ़ेंगे। आई विल स्टार्ट द वर्क, मैं काम शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट द वर्क, मैं काम शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट द वर्क, वी विल कम फ्रॉम कश्मीर, हम कश्मीर से वापस आएंगे। वी विल कम फ्रॉम कश्मीर, हम कश्मीर से वापस आएंगे। कितनी एग्जाम्पल दोगे जी आपके पास? 25 enough। अब मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूं आपको। एक तो ये बात याद रखें कि ये एग्जाम्पल में मैंने जॉब का जिक्र किया है, जॉब होता है नौकरी, काम जो है काम का नौकरी होता है, जो लोग नौकरी करते हैं तनख्वाह लेते हैं महीने के बाद, तो ये नौकरी, जॉब से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, ये याद रखें आप, जॉब से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन मैंने जो वर्क इस्तेमाल किया है, वर्क, उससे पहले हमेशा आर्टिकल आएगा, ये बात याद रखना। वो आर्टिकल कौन सा है, दी या दा, ये चीजें सीखने वाली हैं, टेक्निकल चीजें हैं, समझने वाली हैं। अक्सर लोग इन्हीं चीजों में गलती करते हैं, ज्यादा लोग यही गलतियां करते हैं। वर्क से पहले हमेशा जो है आपने आर्टिकल लगाना है, दा या दी। जॉब से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इसी तरह आप और चीज देख लें कि जैसे शैल विल का मामला है, आई या विल शैल लगा हुआ है, तो इरादे कच्चे हैं, आने वाले वक्त में मनसूबाबंदी की हुई है लेकिन कच्ची है, पक्के प्लान नहीं है, पक्के मनसूबे नहीं है। लेकिन जब आई और वी के साथ हमने बिल लगा दिया है तो इरादे पक्के हो गए, आने वाले वक्त में काम करने के इरादे पुख्ता हैं, पक्के हैं, आयरन विल है, स्ट्रांग विल है। लेकिन आजकल मैंने आपको बताया कि आजकल सबके साथ बिल लगा रहे हैं, तमाम प्रोनाउन आजकल बिल लग रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शेल का जो मामला है आई और वी के साथ क्या है,
प्रोनाउन आई और वी के साथ इसका क्या कनेक्शन है, शेल का और विल का मामला आई और वी के साथ मतलब क्या है, नॉलेज होनी चाहिए आपको कि शेल क्यों लगाते हैं आई और वी के साथ और विल क्यों लगाते हैं आई और वी के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। लोगों को नहीं पता, अक्सर लोगों को नहीं पता शेल विल का क्या मामला, अक्सर लोग कहते हैं हाँ विल लगता है जी, शेल तो लगते नहीं है, शेल तो कहाँ होता है जी, क्योंकि इनको असल इन्फॉर्मेशन नहीं आती, नॉलेज नहीं है लोगों को। देखो नॉलेज नहीं है तो ये कहेगा मुझे नहीं पता, ये तो होता ही नहीं है, मैं तो पढ़ा ही नहीं है, ऑथेंटिक नॉलेज है ये। आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं या आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ऐसे पेपर जाते हैं इंग्लिश में होते हैं, आप सीएसएस के जाके एग्जाम दें ऑफिसर बनने के लिए, गवर्नमेंट जॉब सर्विस के लिए सीएसएस एग्जाम लेता है 17 ग्रेड के ऑफिसर के लिए, तो वहाँ ये सवाल आ सकता है कि शेल का इस्तेमाल जो है आई ओ वी क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, पता होना चाहिए आपको। इंटरव्यू में कई पूछ लेते होते हैं चीज़ें, इंटरव्यू में कई पूछ लेते हैं, टेस्ट में नहीं पूछते, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ना सिर्फ ये आप सीखें, लोगों को भी सिखाएं, लोगों को बताया करें इन चीज़ों के बारे में, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। इस तरह एग्जाम्पल्स आपके पास 25 एग्जाम्पल्स आपके पास हो गई हैं। अब ये सारे काम जो है मुस्तकबिल में होने वाले हैं इसके बारे में सोचा गया है, और क्योंकि आखिर में क्या आ रहा है, मैं काम मुकम्मल करूंगा, वो काम मुकम्मल करेंगे, तुम काम मुकम्मल करोगे, आखिर में गा गी गे आ रहा है, उससे पहले वर्ब आ रहा है, पढ़ोगे लिखोगे दवा लोगे आराम करोगे नाश्ता लोगे चाय लोगे पानी पियोगे, ये सब आखिर में आ रहे हैं अल्फाज। ये निशानदेही करते हैं कि ये इशारा कर रहे हैं, इंडिकेशन है कि ये फ्यूचर डेफिनेट टेंस के जो हैं सारे जुमले हैं। अब एज यूजुअल हसब मामूल आपने काम करना है, एग्जांपल्स आप बनाएं, कितने बनाएंगे, 50 बनाएंगे, 80 बनाएं, 90, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी एग्जांपल्स आप ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा टेंसेस के ऊपर आपकी ग्रिप होगी, एग्जाम्पल्स कम बनाएंगे तो आपकी ग्रिप इस पेपर नहीं होगी टेंसेस के ऊपर। और टेंसेस ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेंसेस आपके माशाल्लाह ख़त्म होने जा रहे हैं, सिर्फ आपके 3 आगे टेंसेस और रह गए हैं बस। टेंसेस ऐसी चीज़ है लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी है, अंग्रेज़ी जो बोल चाल है या ज़बान है, कि टेंसेस अगर नहीं आते ना तो ग्रामर आपको समझ आती है और ना ही लैंग्वेज समझ आएगी आपको, क्योंकि दोनों चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं, टेंसेस बुनियादी चीज़ है, फंडामेंटल ये चीज़ है और इसकी रिक्वायरमेंट है, ये ओब्लिगेटरी है, कंपलसरी है, इसके बगैर ना तो ग्रामर आती है इंग्लिश की सही और ना ही लैंग्वेज सीखी जा सकती है टेंसेस के बगैर। तो इसकी इससे मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ मैं टेंसेस के ऊपर। और लैंग्वेज में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात जो है बताना चाहता हूँ, जो बड़ी प्रीशियस नॉलेज है, वो ये है, इंशाल्लाह जब आपकी लैंग्वेज क्लास शुरू होने वाली है, ज़रा टाइम ही रह गया, थोड़ा सा टाइम रह गया, बस कुछ दिन समझे रह गए हैं, जब आपकी लैंग्वेज शुरू होगी तो उसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ है आपके टेंसेस पक्के हों, पूरी ग्रिप टेंसेस को पूरी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में ज़्यादा टेंसेस इस्तेमाल होंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास वोकैबुलरी हो, दो चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं, आपके टेंसेस भी बेहतरीन है और आपकी वोकैबुलरी भी बेहतरीन है, तो आप लैंग्वेज सीख जाते हैं और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज में। लेकिन ग्रामर की जो चीज़ें मैंने कराई हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें करवाई हैं मैंने आपको, ग्रामर के बारे से इंतहाई अहम चीज़ें हैं इंग्लिश की, लेकिन लैंग्वेज में अगर आप किसी दो चीज़ों पर पूरी कमांड हो गई, टेंसेस और वोकैबुलरी, मैं आपको ज़मानत देता हूँ इस बात की, गारंटी देता हूँ कि आप ज़बान लैंग्वेज सीख जाएंगे। अब जो एक और बात वो ये है कि आप टेंसेस को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, मैं फिर बताना चाहता हूं, आप एक टेंस को दूसरे में चेंज किया करें। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की आपने एग्जांपल ली है, उसको चेंज करें आप पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप चेंज करें फ्यूचर डेफिनिट टेंस में, फ्यूचर डेफिनिट टेंस को चेंज करें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करें आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करें आप पास्ट डेफिनिट टेंस में, और पास्ट डेफिनिट टेंस को चेंज करें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। टेंसेस आप कितने पक्के हो जाएंगे, इतने पक्के हो जाएंगे
कि लैंग्वेज में आपको बहुत मदद मिलेगी इनकी वजह से। अगर आप ये बहुत इंटरेस्टिंग है टेंसेस का, मुश्किल चीज नहीं है, आप प्रैक्टिस करें तो बड़े ये बेहतरीन है। ये जब आप किसी चीज को सीख जाते हैं तो आपके लिए गेम हो जाता है, वो गेम की तरह आप उसको लेते हैं, कोई गेम खेलते हैं जिस तरह बड़ा इजी लेते हैं आप। जब एक इंसान किसी काम में एक्सपर्ट हो जाता है तो उसके लिए खेल बन जाता है, वो उसके लिए एक यानी कि मुश्किल चीज नहीं, आम सी बात हो जाती है उसके लिए। मैं कहता हूँ टेंसेस आप सीख जाते हैं इस तरह सीखें जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। टेंसेस पढ़ना और चीज होती है, सीखना और चीज होती है। आपने टेंसेस को सीखना है, इसलिए सीखना है कि अगर लैंग्वेज आपकी जो है वो टेंसेस के ऊपर ही खड़ी हुई है, लैंग्वेज सारी पूरी आपकी, जितने टॉपिक्स हमारे हैं, जितने डिस्कशन हम उर्दू में टॉकिंग करते हैं मुस्लिम मौजूद के ऊपर, वो सब इंग्लिश में चले जाएंगे। उसमें टेंसेस का इस्तेमाल है और वोकैबुलरी का इस्तेमाल है लैंग्वेज में। तो ये जो है मेन जो इंग्लिश ग्रामर है वो टेंसेस के ऊपर खड़ी है इंग्लिश की। जो ये टेंसेस सीख गया और जो वोकैबुलरी में एक्सपर्ट हो गया, मैं कहता हूं वो कहीं मार नहीं खाने वाला लैंग्वेज में, कम से कम वो कहीं मार दुनिया में नहीं मार खाने वाला। लोग उससे सीखेंगे, तरक्की भी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आपको लेटर मिलेंगे, परमानेंट लेटर पे आप जो है आपको मिलेंगे, ऑफर लेटर पे आप जॉब करेंगे। अगर लैंग्वेज सीख जाते हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज, आपको क्या चाहिए, जो आपके टारगेट सारे अचीव हो जाएंगे आपके ये जबान सीखने से। किसी ने बाहर जाना है, किसी ने बिजनेस करना है, किसी ने गवर्नमेंट जॉब करनी है, किसी ने आपको CSS का इम्तहान देना है, ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट सर्विस करनी है, तो ये जो है ना मेरी चीज़ें जो मेरी है मालूम जो है नॉलेज जो है मेरी हदायत मेरी इंस्ट्रक्शन या मेरी डायरेक्शन पर अमल करना है आपने। तो ये कुछ हफ्तों का कोर्स आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ले आएगा इंशाल्लाह। मैं जो कह रहा हूँ आप इस पर करें, अमल शुरू कर दें कि आप जो है टेंसेस को फिर मुझे आप होमवर्क करके मुझे भेजें। आप टेंसेस को दूसरे टाइम में चेंज करें, एक टाइम दूसरे में चेंज करें। आपके काफ़ी एग्जाम्पल मौजूद हैं आपके पास, आज की एग्जाम्पल मौजूद है आपके पास, फ्यूचर डेफिनेट टेंस की एग्जाम्पल आ गई हैं आपके पास 25, कल की जो आप यानी कि कल मिला के टोटल 25 हो गई हैं। तो इससे पहले जो एग्जाम्पल मौजूद है आपके पास, फिर मिलाया करें आप एग्जाम्पल्स को कि आपने क्या गलती की है। आप यानी कि पहले डेफिनेट टेंस की एग्जाम्पल ले लें, कई एग्जाम्पल आपकी जो है उसी दूसरे टेंस में वही चेंज हुई हैं आपकी एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, दूसरे टेंसेज में। तो ये आप इन चीज़ों को, तो आप जब इन टेंसेस को सीख जाते हैं एक बहुत बड़े यानी कि मसले से आप निकल जाएंगे। आप टेंसेस आपको आने बहुत ज़रूरी हैं, एक्सपर्ट हो जाएं इसमें। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है मैं हाजिर हूँ, प्रॉब्लम कोई होता है आपके, सर ये मसला है वो मसला है। सर एक बात पूछ लूँ? जी पूछेंगे। आई रीड अ बुक जी, इसको ये पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट? नहीं नहीं, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। फर्स्ट फॉर्म को हम रीड पढ़ेंगे ना वर्ब की, सेकंड फॉर्म को रेड। देखो मेरी बात सुनो, इनके स्पेलिंग दोनों के एक जैसे हैं लेकिन पढ़ने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। वर्ब की पहली फॉर्म को रीड पढ़ा जाता है, दूसरी को रेड पढ़ा जाता है, स्पेलिंग यही है, तीसरी को फिर रीड पढ़ा जाता है। ओके ओके सर, आप समझ आइए। जी जी, तो इसमें अगर आप देखें, आपको खुद पता होगा ना, आप ये कौन सा टेंस है आपको खुद पता होगा। आप एक और का एक ये पहले आप ये काम करें कि आप शुरू करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करें, उसको चेंज करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आप पहले तरतीब से चलें आप, ठीक है ना, इस तरह प्रैक्टिस करें आप, फिर आप ओके सर आगे पीछे कर दें, फिर आप ऐसे करें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को चेंज करें, डायरेक्ट स्लैंग लगाएं फ्यूचर डेफिनेट टेंस के ऊपर, फ्यूचर डेफिनेट टेंस को चेंज करें आप जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज करें आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज करें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट उसमें, और फिर इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करें, या पहले आप सीधा ऊपर से नीचे आए और फिर नीचे से ऊपर जाएं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से शुरू करें फ्यूचर डेफिनेट टेंस तक आएं, और फ्यूचर डेफिनेट टेंस से शुरू करें और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस तक जाएं, और फिर आप इसके अंदर से टेंसेस लेके उनको चेंज करते रहें। आप इसमें पॉइंट टेस्ट खुद लें, इस तरह आपकी हो जाएगी बेस्ट प्रैक्टिस। आपको समझ आएगी कौन से हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में आ रहे हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म किस टेंस में आ रही है। और इसका सबसे आसान तरीका और बताता हूँ, वो ये है कि आप उर्दू से पहले उर्दू के जुमले देख कर फिर इंग्लिश में किया करें। अगर मुश्किल पेश आती है तो आप पहले उर्दू से करके फिर इंग्लिश में जाएं,
और आसानी आपको हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर। इस तरह करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि मैं आपको जबान जो है, ये जो आपकी जो अभी तक है ग्रामर जो है, इसमें ज़्यादातर मैंने उर्दू ही इस्तेमाल की है, बहुत कम इंग्लिश बोली है, लेकिन जब आपकी लैंग्वेज शुरू हो जाएगी तो उसमें सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज होगी, उसमें उर्दू बोलने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। मैं पहले बता दूंगा आपको, ठीक है ना? उर्दू नहीं बोलना, उर्दू का लफ्ज़ बोलना, ना आप बोलेंगे ना मैं बोलूँगा। इन्वायरमेंट होगी, माहौल बनेगा तो लैंग्वेज सीखेंगे यहाँ पे आप, ठीक है? ये मैं आपको आई हैव टू इन्फॉर्म यू अर्लियर, आई हैव टू इन्फॉर्म यू इन एडवांस, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ। ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, इसकी एक रीज़न है कि यहाँ से मोस्टली पीपल जो हैं इलिटरेट पीपल यहाँ से यूके और यूएसए जाते हैं, वो इलीगल जाते हैं, जिस तरह भी जाते हैं, बहरहाल वो एक अलग मामला है। लेकिन वहाँ पर जाकर वो लोग फर इंग्लिश बनना शुरू कर देते हैं 3 महीने के बाद। माहौल उनको मिलती है, उनको मिलता है, इनको मिलती है, एनवायरमेंट मिलती है, क्योंकि एम्बेसी जो है अनपढ़ बंदे को वीजा नहीं देती है। वो कहा उसको इंग्लिश ना आती हो, उसको तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है ना? लोग जाते हैं जो इलीगल जाते हैं, गैर कानूनी जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, को उनको पता है वैसे काम नहीं होना, तो इस तरह काम हो जाएगा दोनों तरीके से, ठीक है ना? वो निकल जाते हैं वहाँ पर जाकर, लेकिन वो फर इंग्लिश बनना शुरू कर देते हैं 3 महीने के बाद। अनपढ़ बंदा जो है बेहतरीन इंग्लिश बनना शुरू कर देता है, क्योंकि माहौल होता है वहाँ पर। मैं बात कर रहा हूँ माहौल की, यहाँ पर आपको मिलेगी एनवायरमेंट, माहौल मिलेगा तो आप लैंग्वेज सीखेंगे। ओके, समझा रही मेरी बात तीनों को? यस सर, यस सर। तो इंशाल्लाह बस मेरी बातों पे अमल करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। बस मेरी बातों पे अमल करें, आपका मेरी बातों पे अमल करना। ओके, वोकैबुलरी आपके पास माशाल्लाह है, बढ़ती जा रही है माशाल्लाह, अच्छी बात है, पढ़नी भी चाहिए। ये सारी वोकैबुलरी आपकी लैंग्वेज में काम आएगी और लैंग्वेज क्लास में भी आपकी वोकैबुलरी चलती रहेगी। ये बेफिक्र, जो न्यू वर्ड आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? कई वर्ड्स आपका मौजूद है आपका, लेकिन कई नए वर्ड आपको मिलते रहेंगे लैंग्वेज जब क्लास शुरू होगी हमारी। ओके, तो ये जो आपने अब होमवर्क करना है, आप मुझे जिस तरह मैं आपको पैटर्न मुझे भेज दें जिस तरह मैंने वो कहा है। एक तो ये कि इसके आप जो है 50 एग्जाम्पल बनाएं या 70-80 बनाएं। दूसरी बात यह है कि आप जिससे मैंने कहा है कि एक दूसरे में चेंज करके मुझे भेज दें, पहले खुद चेक करें फिर आप मुझे भेजें। तो इसमें यह होगा कि यू विल मेक एक्सपर्ट, यू विल बी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट जो इंसान होता है उसके लिए कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं होती है, खासकर जिस वो जो भी स्किल है उसमें वो प्रैक्टिस करता है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ सीखना, कोई भी चीज़ सीखना जो है मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में। मुश्किल क्यों होती है? जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज़ मुश्किल क्या, बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान है, ये बात याद रखिएगा मेरी। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? बार बार मश करना, बार बार दोहराना, बार बार एक चीज़ को रिपीट करना, एक काम को बार बार रिपीट करना, ये है प्रैक्टिस। इसे कहते हैं मश, कहते हैं इसको प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मश से एक इंसान मुकम्मल बनता है, या मश एक इंसान को मुकम्मल बनाती है, ये इसका मतलब है। तो मैंने आपकी लाइफ से लेकर और अभी तक, आपकी मैं यंग था जब आपकी एज में, उस वक्त से लेकर अभी तक मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है किसी मामले में मुश्किल पेश नहीं आई मुझे, सीखने के हवाले से बात कर रहा हूँ। सीखने के हवाले से मुश्किल तो आज ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन मुश्किल का मतलब यह मतलब होता है कि उनको हल किया जाए। मुश्किल पर काबू कैसे पाया जाता है? कि आप उसको दिमाग से काम लें और जहीं तरह मसले को हल करें। और बात स्पेशली जो स्किल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, हुनर सीखने के हवाले से, एक ये हुनर सीखने, अभी कोई सब्जेक्ट नहीं है लैंग्वेज, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई मौजू नहीं है, कि मजमून नहीं है कि बीए का मजमून हो गया, इंग्लिश हो गई, या फेक इंग्लिश हो गई, चलो जी पास कर लो जी निकल जाओ जी। ये एक है हुनर, स्किल, इंटरनेशनल स्किल सीख रहे हैं यहाँ पर आप। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, स्किल के लिए प्रैक्टिस बार बार मश करनी पड़ती है आपको, टीचर की बात पे अमल करना पड़ता है, इंस्ट्रक्टर की बात पे अमल करना पड़ता है, ट्रेनर की बात पे अमल करना पड़ता है, उस्ताद की बात पे अमल करना पड़ता है, वही शागिर्द कामयाब होता है। तो मेरा कहने का मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है
जो मुश्किल हो मेरी नजर में। लेकिन शर्त क्या है? मुश्किल क्यों नहीं होगा? मुश्किल इसलिए नहीं होगा कि जब इंसान प्रैक्टिस करेगा तो वो उसके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और इंतहाई मुश्किल काम या नामुमकिन काम क्यों हो जाते हैं? जब मशक नहीं की जाती है, जब मेहनत नहीं की जाती है, जब प्रैक्टिस नहीं की जाती है, तो वो मुश्किल नहीं है। मैं मुश्किल तो है, मामूली सी बात है, वो काम नामुमकिन बन जाते हैं। तो आप पॉजिटिव माइंडेड रहें, पॉजिटिव माइंड रहें, मस्बत सोच होनी चाहिए आपकी। अगर आप कामयाब लोगों में जाना चाहते हैं तो काम के साथ काम को एज ए चैलेंज कबूल करें। आप काम के साथ जो है आखिर मैंने ये काम पे मैंने गलबा हासिल करना है, मैंने इसको सीखना है, तो जब आप काम को एज ए चैलेंज लेंगे, काम पे गलबा हासिल करेंगे, काम पे गलबा हासिल करने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जद्दोजहद हासिल करनी पड़ती है, तो उस काम में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं और काम पर आपको कामयाबी हो जाती है, अबूर मिल जाता है, काम पे आपकी कमांड हो जाती है, कमांड कहते हैं अबूर। ठीक है भाई उमर, बाबर और अरशद जी? सर यस सर। तो इसका एक एक वर्ड जो है ये आपके लिए एक हदायत है, आपके लिए रोशनी की एक शमा है, कैंडल है, जो एक कैंडल है अंधेरे में, जो कैंडल होती है वो रहनुमाई करती है, कैंडल, कैंडल कहते हैं, शमा कहते हैं। तो ये एक कैंडल मैंने आपके पास, आप ये समझे कि लाइक कैंडल है, इसको आप कैंडल की रोशनी में आप चलते रहेंगे, आपको इंशाल्लाह आपके मंजिल पहुंच जाएंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है वोकैबुलरी का मामला है। एज यूजुअल पता ही आपको, हमारा सेकंड फेज होता है वो वोकैबुलरी होती है। लास्ट वर्ड क्या हुआ था भाई अपना उमर? प्रॉस्पेरिटी। क्या कह रहे थे, कौन सा वर्ड था? प्रॉस्पेरिटी। ओके, खुशहाली। पार्ट से बड़ी चल रहे थे मेरे ख्याल में, आपकी क्लास में योर क्लास थी सर? पार्ट से बड़ी नहीं कराए। चले वॉशरूम कर, आज शुरू कराए थे आपको, ठीक है। ये अक्सर हम जिक्र करते हैं, इसका शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करें। हेयर कहते हैं बाल, एच ए आई आर, हेयर, एच ए आई आर, हेयर कहते हैं बाल। हेड कहते हैं सर, सर है हेड। फोर हेड कहते हैं माथा, फोर हेड, फोर हेड है माथा, एफ ओ आर ई एच ई ए डी, इसमें स्पेस नहीं है, फोर हेड माथा। स्किन कहते हैं खाल या जिल्द, जिल्द या खाल, स्किन। और ईयर कहते हैं कान, ई ए आर, ईयर, ये है कान, ईयर। बता दीजिए यस सर। डन यस सर। इसके बाद है जो हमारी गर्दन है, गर्दन, ये पीछे गर्दन जो है ये है नेक, एन ई सी के, नेक है, एन ई सी के, नेक है गर्दन। और थ्रॉट कहते हैं गला, ये सामने गला है, गर्दन, ये जो गला होता है ये, टी एच आर ओ ए टी, थ्रॉट, ये है गला, थ्रॉट। और इसके बाद हमारी आती हैं आंखें, आईज, आईज हैं आंखें, आई लैशेज है पलकें,
आई लैशेस, ये हैं पलकें, आई लैशेस, और फेस है चेहरा, फेस जो हमें चेहरा होता है, जो लोगों को नजर आ रहा होता है, ये होता है फेस, फेस है चेहरा। हो गया, नेक, थ्रॉट, आईज, आई लैशेस, फेस। यस सर। ओके, डन। चलें, यस, 10 वर्ड हो गए आपके, 5 लेफ्ट। इसके बाद हमारा जो है नोज कहते हैं, नाक, एन ओ एस ई, नोज, नाक है। आईब्रोज कहते हैं भवें, आंखों के ऊपर जो होती है ये काली काली जो आंखों के ऊपर है और फोर हेड के ऊपर आती है माथे पे, इन्हें कहते हैं आईब्रोज भवें, आईब्रोज ये हैं भवें, आईब्रोज। चीक कहते हैं गाल, ये हमारे जो गाल होते हैं। सर आईब्रोज की उर्दू क्या है? भवें, 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 बे है नून, वाओ ये नून गुन्ना, भवें। चीक है गाल, चीक, चीक है गाल, और इसके बाद हमारा जो है ये आती हैं मूछें, मूछें कहते हैं मोस्ताशी, मोस्ताशी, एम ओ यू एस टी ए सी एच आई ई एस, मोस्ताशी है मूछें, मोस्ताशी, मोस्ताशी। इसमें एस जो है ना वो साइलेंट है, लिखते हैं बोलते नहीं है, मोस्ताशी बोलते हैं, एस नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, एम ओ यू एस टी ए सी एच आई ई एस, मोस्ताशी, मूछें। और आगे है बियर्ड है दाढ़ी, बियर्ड ये है दाढ़ी, बियर्ड, बियर्ड, नोज, आईब्रोज, चीक, मोस्ताशी, बियर्ड, दाढ़ी। 15 वर्ड आपके हो गए हैं, ठीक है, इसको पढ़ना। सर दाढ़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको दाढ़ी को बियर्ड, बी ई ए आर डी, बी ई ए आर डी, बियर्ड। ठीक है, बियर्ड, धाड़ी, बस, ये सर, ये आपका इसको लिख लीजिएगा, ये होमवर्क आपका 3 times कभी भेज दीजिएगा मुझे आप, ठीक है, मैं क्लास आपकी टीम में कमिट हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मेरे से, कभी भी मसला कोई है तो। सर ये मुस्ताशी के स्पेलिंग बता दे। मुस्ताशी, एम ओ यू एस, एम ओ यू एस टी ए सी एच आई ई एस, मुस्ताशी। सर मुस्ताशी इसके स्पेलिंग नहीं नजर आ रहे। एम ओ यू एस लिखे ना आप, एम ओ यू एस, आवाज आ रही साफ? जी सर, एम ओ यू एस टी ए टी फॉर टाइट टी ए सी एच आई ई एस, मुस्ताशी।
सर मुस्ताशी बोलेंगे या मुस्ताशीज? नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना, आखिर में मुस्ताशी बोलना है। एस मैंने एस साइलेंट है, मैंने कहा ना ऐसे नहीं बोलना आपने, एस साइलेंट है, लिखेंगे बोलेंगे नहीं, मुस्ताशी। ठीक है, कोई बात समझ नहीं आई, पूछ ले कभी, बात समझ नहीं आई है कोई। ऐसा